जय हिंद दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मार्कोस कमांडो। दोस्तों मार्कोस कमांडो को मरीन कमांडो फोर्स भी कहा जाता है और ये भारतीय नौसेना की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स यूनिट है। और दोस्तों मार्कोस कमांडो को किसी स्पेशल ऑपरेशन के लिए ही बुलाया जाता है। और मार्कोस कमांडो की दोस्तों स्थापना फरवरी 1987 में हुई थी। मार्कोस कमांडो की स्थापना आतंकवादी और जो समुद्र में लुटेरे हुआ करते थे उनको सबक सिखाने के लिए किया गया था। वैसे तो मार्कोस कमांडो समुद्री कमांडो है क्योंकि समुद्र की तह तक जाकर दुश्मनों का खात्मा करने में सक्षम होते हैं, लेकिन इस सभी वातावरण में जैसे हवा, समुद्र, जमीन पर भी हर तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने में निपुण होते हैं। और दोस्तों मार्कोस कमांडो ने अपने टैलेंट और कुशलता से एक इंटरनेशनल प्रतिष्ठा हासिल की है। और दोस्तों इनको द फेयरलेस यानी कि बहादुर और निर्भीक कमांडो कहा जाता है। और दोस्तों इनके बारे में कहा जाता है कि 1000 सैनिकों में कोई एक जाबाज होता है जो मार्कोस कमांडो बन पाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं मार्कोस कमांडो के सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में कि दोस्तों कैसे बनते हैं मार्कोस कमांडो। दोस्तों मार्कोस कमांडो को इतनी मजबूत और कठोर ट्रेनिंग दी जाती है कि नेवी ऑपरेशन से लेकर आतंकवाद और एंट्री पायरेसी ऑपरेशन तक माहिर होते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ मामलों में तो मार्कोस कमांडो को अमेरिकी नेवी सील से भी 21 माना जाता है, क्योंकि दोस्तों मार्कोस कमांडो मानसिक और शारीरिक क्षमताओं में भारत के मार्कोस कमांडो अमेरिका के फेमस नेवी सील को भी पीछे छोड़ देते हैं। तभी तो मार्कोस कमांडो की गिनती भारत के सबसे खतरनाक कमांडो में की जाती है। मार्कोस कमांडो के लिए सिलेक्शन इतना मुश्किल होता है कि सेना में एक कहावत है कि 10,000 सैनिकों में से किसी एक को ही मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है। लेकिन ये सच है दोस्तों कि 1000 सैनिकों में से एक ही मार्कोस कमांडो बन पाता है। और दोस्तों अब बात आती है कि मार्कोस कमांडो का चयन कैसे होता है। तो दोस्तों यदि आप मार्कोस कमांडो बनना चाहते हैं तो आपको पहले नेवी में शामिल होना अनिवार्य है। इसके लिए कोई सीधी भर्ती नहीं है। यदि आप पहले से ही नौसेना में नौकरी कर रहे हैं और आपकी उम्र 20 वर्ष है तो आप मार्कोस कमांडो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने वाले कैंडिडेट को पहले 3 दिन तक शारीरिक फिटनेस टेस्ट और योग्यता परीक्षा से गुजरना होता है। और दोस्तों आवेदन करने वाले करीब 90% उम्मीदवार यहीं पर रिजेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों अब बात आती है मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग की। तो किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, तो आपको पता होगा कि मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग काफ़ी टफ होती है। यहां से उम्मीदवार को 5 साप्ताहिक की एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है, जो दोस्तों इतना कष्टकारी होता है कि लोग इसकी तुलना नर्क से भी करते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी यातनाओं से आपको गुजरना पड़ता है। इस प्रक्रिया में दोस्तों ट्रेनी को पूरी नींद नहीं लेने दी जाती और उससे कठिन परिश्रम करवाया जाता है। इस चरण में जो लोग ट्रेनिंग को छोड़कर नहीं भागते उनको ही वास्तविक ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है। इसे तो दोस्तों यूं कहें कि ये मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग का पहला स्टेप होता है। अभी तो ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है। 3 साल की होती है मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग। जो लोग दोस्तों बचे रहते हैं उनको मार्कोस कमांडो की असल ट्रेनिंग दी जाती है जो 3 साल तक चलती है। इस ट्रेनिंग के दौरान इनको कंधे पर 25 kg का भार लेकर जांघों तक कीचड़ में घुसकर 800 मीटर दौड़ लगानी पड़ती है। इसके बाद दोस्तों जवानों को हालो और हाओ नाम की 2 ट्रेनिंग दी जाती है। हालो जंप में जवान को लगभग 11 किलोमीटर की ऊंचाई से जमीन पर कूदना पड़ता है, जबकि हाओ जंप में जवान को 8 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदना पड़ता है और दोस्तों 8 सेकंड के अंदर अपना पैराशूट खोलना पड़ता है। और दोस्तों यदि पैराशूट 8 सेकंड में आपने नहीं खोला तो आप जानते ही हैं कि क्या होगा। तो आपको इन 2 ट्रेनिंगों से दोस्तों गुजरना होगा। दोस्तों कहते हैं ना कि कसौटी पर घिसकर ही असली सोना निखरता है, सो इन कठिन अभ्यासों के बाद ही दुनिया के सबसे शक्तिशाली दिलेर और वेस्ट कमांडोज निकलकर सामने आते हैं। तो दोस्तों आखिर इन कमांडो की ट्रेनिंग होती कहाँ है ये भी जान लेते हैं। तो दोस्तों मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग आगरा और कोची में होती है। आगरा के पैरा टूपर ट्रेनिंग स्कूल में पैरा जंपिंग कराई जाती है और वहीं गोताखोरी के प्रशिक्षण के लिए उन्हें कोची में नौसेना के ड्राइविंग स्कूल में ट्रेनिंग मिलती है, जो मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग में शामिल होता है। दोस्तों ये सभी ट्रेनिंग ओपन क्लोज सर्किट, ड्राइविंग, उन्नत हथियार और कौशल विध्वंस धीरज प्रशिक्षण और मार्शल आर्ट सहित बुनियादी कमांडो कौशल और हवाई प्रशिक्षण और पनडुब्बी शिल्प संचालन, ये सभी ट्रेनिंग INS अभिमन्यु मुंबई में होती है। और दोस्तों वीडियो के एंड में बात करते हैं मार्कोस कमांडो की वेतन की। तो मार्कोस कमांडो की सैलरी 7वें वेतन आयोग के अनुसार मिलती है। उनका मूल वेतन 25,000 रुपये है और दोस्तों इसके साथ ही उन्हें जहाज गोताखोरी भत्ता 8,500 से लेकर 10,000 रुपये मार्कोस भत्ता और 25,000 रुपये अगर हाई एरिया में तैनात हैं तो उन्हें मूल वेतन का 20% जोखिम भत्ता, तो अति सक्रिय भत्ता 16,900 रुपये और फील्ड एरिया में तैनात है तो फील्ड एरिया अलाउंस 10,500 रुपये मिलता है।
दोस्तों कुल मिलाकर इनकी सैलरी की बात की जाए तो इनकी लाखों में सैलरी होती है और दोस्तों होना भी चाहिए क्योंकि हमारे देश की शान है जो हमारे देश के लिए अपनी जान हथेली के लिए घूमते हैं। तो दोस्तों ये थी मरकोस कमांडो की पूरी चयन प्रक्रिया, वेतन सब कुछ दोस्तों डिटेल से बताया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।